गुड मॉर्निंग प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी सानंद परिवार के साथ बिल्कुल मस्त अंदाज में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। छात्रगण, ध्यान दें कि आप मेहनत कितना करते हैं ये कोई मैटर नहीं करता, आप मेहनत सही दिशा में करते हैं कि नहीं ये काफी मेहनत करता है, काफी मैटर करता है। इसलिए मेहनत सही दिशा में करें और अपने आप को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कमर कस के मेहनत करें, याद करें। एक बार में कुछ याद नहीं होता है तो उसको 10 बार पढ़ें, 10 बार याद करें और मैं दावा करता हूं कि वह निश्चित तौर पर आपको याद हो जाएगा। कोई भी आपका कमजोर विषय है, आर्ट्स बैकग्राउंड वालों का साइंस कमजोर है, साइंस बैकग्राउंड वालों का आर्ट्स कमजोर है, तो उन कमजोर पक्षों को मजबूत करें, तभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलती है। ध्यान देंगे प्रतियोगी विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों का भारत आगमन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का छतगन, और प्रतियोगिता परीक्षाओं में से सवाल पूछे जाते हैं। छतगन, क्या है ये चैप्टर विदेशी कंपनियों का भारत आगमन? टॉपिक क्या है और इससे क्या सवाल पूछे जाएंगे और ये टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है इसको आपको जानना है। छतगन, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना? क्या कहा जाता था भारत को? सोने की चिड़िया कहा जाता था एक समय में, गौर कीजिएगा। छगन, रत्न गर्भा हमारी देश की भूमि है ना? कोयला, अबरक, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम, क्या नहीं है, खनिज संसाधनों से भरपूर हमारा देश है। और यही कारण था कि विदेशी कंपनियों की कुदृष्टि इस देश पर हमेशा लगी रहती थी। छगन, चाहे वो पुर्तगाली हों, डच हों, अंग्रेज हों, डेनिश हों, फ्रांसीसी हों, सबों ने भारत में व्यापार के बहाने से कदम रखा। लेकिन क्या उनका असली उद्देश्य केवल और केवल व्यापार था? नहीं छतगन, व्यापार तो बहाना था, व्यापार तो बहाना था, भारत पर निशाना था, व्यापार तो बहाना था, भारत पर निशाना था। यानी कि इनका उद्देश्य क्या था? भारत पर अधिकार करना, भारत में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, अपना उपनिवेश स्थापित करना और भारत का आर्थिक दोहन करना, भारत का आर्थिक शोषण करना, यही इनका उद्देश्य होता था। छतगन, इन विदेशी कंपनियों को भारत में जो जो अनुकूल दशाएं मिली, जैसे भारत में श्रम बहुत ही सस्ता है छात्रगण, है ना, लेबर कॉस्ट बहुत ही कम में काम हो जाता है, तो ये भी एक अट्रैक्शन का कारण बना। दूसरा, भौगोलिक वातावरण भी भारत का बहुत ही अच्छा है, है ना, हर मौसम का आनंद यहाँ पे आप ले सकते हैं, तो ये भी उन लोगों के लिए अनुकूल लगा। भारत में जमीन वगैरह भी काफ़ी सस्ते दरों पर मिलती थी, तो इस ये सब कारणों से खनिज संसाधन थे, सीपोर्ट थे, बंदरगाह थे, भारत सभी देशों के साथ जो है जुड़ा हुआ था ताकि व्यापार करने में आसानी हो, तो ये सब अट्रैक्शन था छात्रगण जिसके कारण विदेशी कंपनियां भारत में आई थी, है ना। तो छात्रगण ध्यान रखिएगा, भारत में खनिज संसाधनों की प्रचुरता, श्रम सस्ते दर पर उपलब्ध होना, भौगोलिक वातावरण का अनुकूल होना और भारत में जो है इस रत्न गर्भा स्थान में, भारत में जो अनुकूल परिस्थितियां थी, है ना, जो व्यापारिक केंद्र मौजूद थे, जो भारत को सभी देशों के साथ एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, यही कारण था कि भारत में विदेशी कंपनियां व्यापक पैमाने पर आई और भारत में उन्होंने जो है न केवल पैसा लगाया बल्कि भारत को अपना अपना उपनिवेश भी बनाया था। छतगन, सबसे पहले भारत में जो विदेशी कंपनी आई थी उसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था छतगन? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, हेडिंग बनेगा छतगन, पुर्तगाली लिखे, यूरोपियन कंपनियों में, पुर्तगाली हेडिंग बना लिए छात्रगण लाल हरा कलम से, यूरोपियन कंपनियों में सबसे पहली बार
पुर्तगाली, पुर्तगाली भारत आए थे। भारत आए थे पुर्तगाली भारत आए थे आए थे। नेक्स्ट, प्रथम पुर्तगाली यात्री जिसने भारत की खोज की, जिसने भारत की खोज की एवं भारत और यूरोप के बीच पहली बार सामुद्रिक मार्ग, पहली बार सामुद्रिक मार्ग मार्ग की खोज की थी तथा यूरोपियनों को भारत से पहली बार बार परिचित करवाया था वह यात्री वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा था। नेक्स्ट, तीर्थंकर वास्को डिगामा 1498 में केप ऑफ गुड होप, अर्थात आशा अंतरिप, अंतरिप के मार्ग से होता हुआ हुआ गुजराती पथ प्रदर्शक, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के केरल के कालीकट नमक बंदरगाह नगर में 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को पहुंचा था। नेक्स्ट, कालीकट के शासक जमोदिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया परंतु वहां पहले से व्यापार कर रहे
पहले से व्यापार कर रहे अरब व्यापारियों ने वास्को डिगामा का विरोध किया था। किया था। नेक्स्ट टेंशन। वास्को डिगामा दो बार भारत यात्रा पर आया था। प्रथम 1498 में तथा द्वितीय 1500 में वह भारत आया था। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च लेकर वापस अपने वतन लौटा वापस अपने वतन लौटा। नेक्स्ट, काली मिर्च गोलकी जिसको बोलते हैं छतगन, काली मिर्च के व्यापार के कारण वास्को डिगामा ने अपार धन संपदा की प्राप्ति भारत में की थी। नेक्स्ट, वास्को डी गामा दो बार भारत यात्रा पर आया था। प्रथम 1498 में एवं द्वितीय 1502 में। इसके पहले छात्रगण आपने 1500 लिखा है, इसलिए मैंने इसको सुधार के फिर से कहा है, 1502 कर दीजिएगा। द्वितीय 1502 में। नेक्स्ट, भारत में प्रमुख पुर्तगाली वायसराय निम्न थे। भारत के प्रमुख पुर्तगाली वायसराय निम्न थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। देखिए इसका कार्यकाल 1505 से 1509 तक था। नेक्स्ट, यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, वायसराय था। इसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे छठगण, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क लिखे, इसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट, इसने भारत में पुर्तगाली सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किया था, इसने भारत में पुर्तगाली सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किया था। नेक्स्ट, इसका कार्यकाल 1509 से 1515 तक था। नेक्स्ट, 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा को पुर्तगाली सत्ता में मिला लिया था। नेक्स्ट त्रिकनिशा, अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के साथ मिलकर भटकल नामक स्थान में नमक स्थान में
दुर्ग बनाने, किला, किला या दुर्ग बनाने की अनुमति प्राप्त की थी, अनुमति प्राप्त की थी, थी। नेक्स्ट, अल्बुकर्क भारत में, अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों की जनसंख्या, जनसंख्या में वृद्धि करना चाहता था, चाहता था, इसलिए इसने, इसलिए इसने, इसने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से, महिलाओं से विवाह करने, विवाह करने की अनुमति, अनुमति प्रदान की थी तथा इस कार्य के लिए, के लिए उन्हें प्रेरित किया था, इस कार्य के लिए उन्हें प्रेरित किया था, उन्हें प्रेरित किया था। नेक्स्ट, अल्बुकर्क के कार्यकाल में गोवा में भारत का प्रथम चर्च, चर्च स्थापित किया गया, प्रथम चर्च स्थापित किया गया। स्थापित किया गया जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च था, सेंट जेवियर चर्च था। चर्च था नेक्स्ट, पुर्तगाली वायसराय का नाम लिखेंगे छतगन। नूनो डी कुन्हा, नूनो डी कुन्हा, कुन्हा। लिखे इसने गोवा को पुर्तगाली राज्य की, राज्य की भारत में राजधानी बनाया था, राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्रमुख देन,
निम्न है, निम्न है। नंबर एक, आलू से भारतीयों को पहली बार, आलू से भारतीयों को पहली बार पुर्तगालियों ने परिचित करवाया था, परिचित करवाया था। नंबर दो, तंबाकू से पहली बार भारतीयों को परिचित करवाया था। नेक्स्ट, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस अर्थात छापाखाना, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस अर्थात छापाखाना पुर्तगालियों ने ही स्थापित किया था, पुर्तगालियों ने ही स्थापित किया था, जो गोवा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट छात्रगण, पानी के बड़े बड़े जहाज बनाने की कला, पानी के बड़े बड़े जहाज बनाने की कला, पानी के बड़े बड़े जहाज बनाने की कला भारतीयों ने पुर्तगालियों से ही सीखी थी, पुर्तगालियों से ही सीखी थी। नेक्स्ट, जाति शब्द, ये जेपीएससी में पूछ चुका है, जाति कास्ट, ब्रैकेट में जी भी लिख लेंगे, CASTE कास्ट, जाति शब्द का पहली बार प्रचलन, जाति शब्द का पहली बार प्रचलन भारत में पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट, गोवा में भारत के प्रथम चर्च की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। नेक्स्ट, ठीक है निशान, पुर्तगालियों ने गोवा में सेंट जेवियर चर्च की स्थापना
की थी, चर्च की स्थापना की थी। नेक्स्ट, प्रथम ईसाई मिशनरी, प्रथम ईसाई मिशनरी सेंट जेवियर के नेतृत्व में, के नेतृत्व में भारत आई थी, भारत आई थी। यह है छात्रगण पुर्तगाली और उससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्य, है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है। एक लाइन और लिख लेंगे, लिखिएगा, वास्को डी गामा जिस पानी के जहाज से भारत आया था उसका नाम एस्तानो द मारिया था, एस्तानो द मारिया था। द मारिया था, नेक्स्ट, वास्को डी गामा व्यापारिक उद्देश्य से भारत आया था, नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में वो भारत से गए थे। ये 1498 में भारत आए तथा 1961 में गोवा दमन एवं दीव, गोवा दमन एवं दीव गोवा दमन एवं दीव गोवा दमन एवं दीव दीव को मुक्त कर भारत में मिला लिया गया था, मिला लिया गया था।
सदगन ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से यह भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। छतगन भारत आने वाली प्रथम विदेशी कंपनी कौन सी थी? पुर्तगाली थी छतगन। पुर्तगाली कंपनी में पहले व्यक्ति, पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? वास्को डी गामा था छतगन। वास्को डी गामा किस पानी के जहाज से आया था? एस्तानो द मारिया नामक पानी के जहाज से आया था छतगन। वास्को डी गामा जिस रास्ते से भारत आया था उस रास्ते का क्या नाम था? केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप। बहुत ही हिट क्वेश्चन है छतगन। वास्को डी गामा जिस रास्ते से भारत आया था उसका क्या नाम था? केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप था। ध्यान दीजिएगा छतगन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्को डी गामा किस गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह में 17 मई 1998 को पहुंचा था छतगन? उस पथ प्रदर्शक का नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था छतगन? अब्दुल मजीद। ध्यान रखेंगे ये कहां का था? गुजरात का था। केरल के कालीकट नामक बंदरगाह में वास्को डी गामा 1498 में पहुंचा था छतगन। 17 मई 1498 को केरल के कालीकट नामक बंदरगाह में यह पहुंचा। वास्को डी गामा पहला यात्री था छतगन जिसने भारत और यूरोप के बीच सामुद्रिक मार्ग की खोज की थी। पूछेगा वह पहला यात्री जिसने भारत और यूरोप के बीच सामुद्रिक मार्ग की खोज की थी कौन था? वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा था छतगन। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। वास्को डी गामा था छतगन। यूरोप इसके पहले भारत को नहीं जानता था, यूरोप की जनता भारत को नहीं जानती थी, यूरोप और भारत के बीच कोई भी मार्ग नहीं था, यूरोप और भारत के बीच कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था, तो पहली बार पुर्तगालियों को, यूरोपियनों को भारत से परिचित कराने वाला व्यक्ति तो कौन था? वास्को डी गामा था। पूछेगा वह कौन सा पहला यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भारत की खोज की थी? वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? 1498 में। वह पहला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने भारत और यूरोप के बीच सामुद्रिक मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा ने की थी छतगन। ध्यान दीजिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में छतगन। वास्को डी गामा भारत पहुंचा 1498 में, केरल के कालीकट नामक बंदरगाह नगर में यह उतरा। वहां के शासक थे जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया लेकिन वहां पहले से व्यापार कर रहे अरब व्यापारियों ने व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वास्को डी गामा का विरोध किया था, है ना? व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वास्को डी गामा का विरोध किया था, इसे भी छतगन आपको जानना होगा। सॉरी, इसे भी आपको याद रखना होगा छतगन। वास्को डी गामा दो बार भारत आया था, 1498 में और 1502 में। छतगन भारत से वो सबसे बड़ी मात्रा में क्या ले गया? काली मिर्च, जिसे आप कोलकी कहते हैं। केरल में छतगन काली मिर्च बहुत होती है, केरल को मसालों का जो है द्वीप कहा जाता है, है ना? मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। तो केरल से वो क्या ले गया छतगन? काली मिर्च ले गया, काली मिर्च ले गया, काली मिर्च ले गया, काली मिर्च ले गया छतगन। केरल से काली मिर्च वो ले गया। कहा जाता है कि यूरोप के लोग काली मिर्च के दीवाने हो गए, एडिक्ट हो गए, जैसे लोग ड्रग्स के कैसे एडिक्ट हो जाते हैं उस तरीके से यूरोप के लोग काली मिर्च के दीवाने हो गए। और वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा का 60 गुना ज्यादा पैसे कमाए थे इसी यात्रा के लिए, इसी जो है काली मिर्च के द्वारा। ध्यान रखिएगा छतगन। छतगन दूसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी, भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था छतगन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसे भी छतगन आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा, इसे भी गौर करना होगा। एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा छतगन। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, मनन करनी होगी और स्मरण करनी होगी और एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा छतगन।
गौर कीजिएगा, भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जरूर की थी। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जरूर था, इसका कार्यकाल 1505 से 1509 तक था, परंतु भारत में सही मायनों में यदि देखा जाए तो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। किसको कहा जाता है छात्रगण? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, है ना, इसी के नाम पे अल्फांसो आम है छात्रगण, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आम की एक प्रजाति होती है अल्फांसो, बहुत ही महंगी और विशिष्ट प्रजाति होती है अल्फांसो। पूछता अल्फांसो किस फल की प्रजाति है, ऑप्शन दे देगा केला, दूसरा दे देगा सेब, तीसरा दे देगा संतरा, चौथा दे देगा आम, तो आपको लगाना होगा आम अल्फांसो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छात्रगण अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। छात्रगण भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्यों कहते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? छात्रगण इसके पीछे एक कारण यह है कि इसने पुर्तगाली सत्ता का सर्वाधिक विस्तार भारत में किया था। छात्रगण बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को जीतकर पुर्तगाली सत्ता में मिला लिया था। ध्यान रखिएगा छात्रगण, पूछेगा गोवा को जीतकर पुर्तगाली सत्ता में मिलाने का कार्य किस पुर्तगाली वायसराय ने किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। ध्यान रखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह भी बहुत ही जबरदस्त रूप से आता है। पैनी निगाह रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा। छात्रगण अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने दूरदर्शिता दिखाई और एक नया स्कीम इसने प्रेरित किया लोगों को, पुर्तगाली पुरुषों को। छात्रगण यह पुर्तगाली की आबादी भारत में ज्यादा बढ़ाना चाहता था, क्या कारण था? कारण था कि यह चाहता था कि पुर्तगालियों की यदि आबादी ज्यादा होगी तो हमारा उपनिवेश भी बड़ा होगा, इसलिए इसने भारतीय स्त्रियों से पुर्तगाली पुरुषों को विवाह करने के लिए प्रेरित किया। छात्रगण यही कारण है कि गोवा, दमन और दीव में आज भी आप जाइएगा तो आपको पुर्तगाली संस्कार, पुर्तगाली परिवार, पुर्तगाली रहन सहन आज भी मिलेंगे, आज भी वही कल्चर वहां पे मिलेगा आपको गोवा में। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा किस पुर्तगाली वायसराय ने भारतीय महिलाओं से पुर्तगाली पुरुषों को विवाह के लिए प्रेरित किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। ध्यान देंगे छात्रगण, छात्रगण इसके पश्चात नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली वायसराय बने और उन्होंने गोवा को पुर्तगालियों की मुख्य राजधानी भारत में बना दिया। छात्रगण भारत में सबसे पहली बार आने और सबसे अंत में जाने का कार्य निम्नलिखित में से किस विदेशी कंपनी ने किया था? ऑप्शन में देगा पुर्तगाली, दूसरा देगा डच, तीसरा देगा अंग्रेज, चौथा देगा फ्रांसीसी। क्या लगेगा छात्रगण? पुर्तगाली थे जो भारत में सबसे पहली बार आए थे और सबसे अंत में गए थे। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। और सबसे अंत में कौन गए थे? पुर्तगाली गए थे छात्रगण। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी मनन करना होगा, ये भी स्मरण करना होगा, और एक चीजों को छात्रगण याद रखना होगा ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो कहीं भी दिक्कत और मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़े, ये चीजों को भी ध्यान रखना होगा। छात्रगण पुर्तगालियों को भारत में 1961 तक शासन करने का मौका मिला, खास करके गोवा, दमन और दीव इनके नियंत्रण में था। छात्रगण 1961 में गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली नियंत्रण से मुक्त कराकर भारत में सैन्य बल के द्वारा जो है मिला लिया गया था, इसे भी याद रखना है। पूछेगा गोवा, दमन और दीव पर किसका नियंत्रण था? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को मिलाकर अलग कब कर लिया गया था? 1961 में कर लिया गया था, 1961 में कर लिया गया था। ध्यान रखिएगा यह भी अपने आप में बहुत ही हिट क्वेश्चन है, यह भी अपने आप में प्रतियोगिता परीक्षाओं का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यह भी अपने आप में एक बहुत ही शानदार सवाल है जिसे आपको छात्रगण ध्यान रखना होगा। छात्रगण दूसरी बात आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी विदेशी आक्रमण होता है, कोई भी विदेशी कंपनी यदि भारत में आती है तो छात्रगण उसका केवल नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है,
उससे कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है। उनके संस्कार को हम ग्रहण करते हैं, अच्छे चीजों को, उनके द्वारा बताए गए कई नए नए चीजों से हम परिचित होते हैं जिन चीजों से हम परिचित नहीं थे। तो छतगन पुर्तगालियों ने भी हमें बहुत कुछ दिया है, कुछ सकारात्मक चीजें दी तो कुछ नकारात्मक चीजें भी दी। छतगन सब्जियों का राजा आलू पोटैटो पुर्तगालियों की ही देन है, है ना, ध्यान दीजिएगा। भारत को सबसे पहली बार आलू से पोटैटो से परिचित किसने करवाया था? पुर्तगालियों ने करवाया था। इसके पहले हम लोग आलू नहीं जानते थे छतगन, है ना। आलू से पहली बार परिचित करवाया है किसने? पुर्तगालियों ने करवाया है, पुर्तगालियों ने करवाया है, पुर्तगालियों ने करवाया है, ध्यान दीजिएगा छात्रगण। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से आता है, पहले निगाहें आपकी होनी चाहिए। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा छात्रगण, उसे भी आप ध्यान दीजिएगा, उसे भी आप मनन कीजिएगा, उसे भी याद रखिएगा, उसे भी गौर कीजिएगा, उसे भी मनन कीजिएगा। छात्रगण आलू तो इन्होंने अच्छा चीज दे दिया हम लोगों को, जीभ का स्वाद बढ़ा दिया, खाने में मजा आता है, ठीक बात है। लेकिन दूसरा जो खराब चीज इन्होंने दिया, तंबाकू से परिचित करवा दिया छतगन। टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ, है ना। पूछेगा भारत में भारतीयों को तंबाकू से परिचित किसने करवाया था? पुर्तगालियों ने करवाया था छतगन। तीसरा इन्होंने अच्छा चीज दिया, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस छापाखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था छतगन। कहां पर? गोवा में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। प्रथम ईसाई मिशनरी सेंट फ्रांसिस जेवियर के नेतृत्व में आई थी छतगन, और भारत में गोवा में इन्होंने भारत का पहला चर्च स्थापित किया था, यह भी पुर्तगालियों की देन है। कास्ट जाति शब्द जेपीएससी का सवाल है छतगन, कि भारत में पहली बार फर्स्ट जेपीएससी ने पूछा था कास्ट या जाति शब्द का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? छतगन पुर्तगालियों ने कास्ट या जाति शब्द का प्रचलन पहली बार प्रारंभ किया था भारतवर्ष में। इसके पहले भारत के लोग कास्ट या जाति शब्द से प्रचलित नहीं थे, ये पुर्तगालियों की देन है। कई लोगों को लगा कि नहीं अंग्रेजों का देन होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने ही फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, लेकिन अफसोस छतगन आपका जवाब गलत हो जाएगा, यह देन पुर्तगालियों की है। तो छतगन एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को याद रखें, एक एक चीजों को स्मरण करें, एक एक चीजों को दिमाग में बैठा करके रखें और एक एक चीजों को ध्यान देंगे छतगन। भारत का पहला चर्च पुर्तगालियों ने स्थापित किया, प्रथम ईसाई मिशनरी भारत में आई पुर्तगालियों के कार्यकाल में सेंट फ्रांसिस जेवियर के नेतृत्व में, पानी के बड़े बड़े जहाज बनाने की कला भारतीयों को किसने सिखाया था? पुर्तगालियों ने, चूंकि वास्को डी गामा खुद पानी के बड़े बड़े जहाज के साथ भारत आया था छतगन, इसलिए पानी के बड़े बड़े जहाज बनाने की कला, निर्माण की कला पुर्तगालियों ने भारतीयों को सिखाई थी, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। तो छतगन आलू तो अच्छा चीज दिया लेकिन तंबाकू गलत दे दिया, है ना, प्रिंटिंग प्रेस अच्छा चीज दिया लेकिन कास्ट या जाति शब्द का प्रचलन गलत कर दिया, प्रथम ईसाई मिशनरी और प्रथम चर्च गोवा में स्थापित किया था, यह भी एक अच्छा कार्य था, है ना, लेकिन छतगन पुर्तगालियों के द्वारा दिए गए तंबाकू की खेती का प्रचलन भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक रहा, यह अफसोसजनक बात थी जिसे आपको ध्यान देना होगा। तो यह है छतगन विदेशी कंपनियों का भारत आगमन, और इसमें आज हम लोगों ने पढ़ा है पुर्तगालियों के बारे में। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, इन सबों के बारे में। तब तक के लिए आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।